चलती रही, बाकी 3 मुलजिम अभी भी पुलिस की तरफ से दूर थे। रात भर ये ऑपरेशन कंटिन्यू रखा गया और उसके बाद पता चला कि दावला नदी और आसपास की पहाड़ियों में कई टीमें जो चल रही थी वहां, और पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा है। ये देखिए, ऐसी घटनाओं में अगर गांव वालों की और पब्लिक की सपोर्ट नहीं रहती है तो बहुत सी सूचनाएं ऐसी हैं। और ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये जो पहाड़ियां हैं, गांव पापड़ा, गठला कला, बूढ़ा पौ, पचरंगी, ये इस तरह का ज्योग्राफिकल एरिया अगर आपने किसी ने देखा होगा तो ये बड़ी विचित्र एक ज्योग्राफिकल टेरेन है, जिसमें अगर अपराधी छुप जाते हैं तो पुलिस के लिए ढूंढना मुश्किल है। और जब तक गांव वाले और आम आदमी उसमें कोई सहयोग न करे, सूचना न दे, तो बड़ा मुश्किल रहता है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान पुलिस के साथ आम जनता और पब्लिक ने काफी सहयोग किया और समय समय पर जो सूचना मिली उसका नतीजा ये हुआ कि बाला खेत के पहाड़ियों के अंदर छुपे हुए सुबह अर्ली मॉर्निंग सतीश पुत्र महिपाल, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी डाड़वा, थाना बाठड़ा, हरियाणा। दूसरा जतिन पुत्र रतन सिंह, जाति कुमार, 24 वर्ष, निवासी डाड़वा, थाना बाठड़ा, हरियाणा। इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और पुलिस इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह पर फायरिंग की। इस फायरिंग में जब इन्होंने फायरिंग की तो ये दोनों इंस्पेक्टर बार बार बचे और बचाव में पुलिस ने भी इनको इन पे फायर खोला और सतीश और जतिन के भी गोली लगी है और वो घायल है। और एक इनके साथ बाल अपचारी था, और चूंकि बाल अपचारी है उसका नाम हम उजागर नहीं करेंगे प्रेस में, उसको भी निरुद्ध किया गया। यानी 5 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे, जिनका सीसीटीवी फुटेज में 4 लोगों का दिखना पाया गया है और एक का जो सीसीटीवी फुटेज में नहीं है लेकिन वो भी घटना में आसपास है, ये 5 जो मुलजिम, 4 मुलजिम और 1 बाल अपचारी, ये पुलिस की गिरफ्त में है, डिटेन्ड है। इनसे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया जाएगा और इंट्रोगेशन के बाद क्या इनको किसने भेजा, क्या इनकी इनका मोटिव था, क्या इनकी प्लानिंग थी, इनका क्या नेटवर्क है, उन सभी बातों पे गहन तफ्तीश पुलिस की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की जाएगी आईजी रेंज के सुपरविजन में, वो पूरा इस पे गहनता से तफ्तीश की जाएगी। और आगे पूरी की पूरी जो कड़ी है इसमें हम अंतिम जो भी लोग होंगे प्लानिंग